दोस्तों वैसे तो ना दुनिया में बहुत सारे कमाल के ब्रांड्स मौजूद हैं, और जब भी हम मॉल या फिर किसी नॉर्मल शॉप में भी कुछ लेने जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि जो हमें चाहिए वो बड़े ब्रांड का ही लेते हैं। और आखिर ब्रांड पहचाना कैसे जाता है? सिंपल सी बात है यार, सभी कहोगे लोगों के साथ। सही कहा है यार, एक ब्रांड की असली पहचान होती है लोगो। लेकिन शायद ब्रांड्स के इन लोगों को हमने ना कभी फोकस के साथ देखा ही नहीं, और सिर्फ चीज लेते हैं और लोगो देखते हैं तो बस काम हो गया। लेकिन शायद आप सोच भी नहीं सकते कि इन लोगोस को बनाने के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, और इन लोगोस का एक बहुत ही डीप मीनिंग होता है, और हर लोगो का कुछ ना कुछ बहुत डीप सा, बहुत गहरा सा एक मतलब होता है, जो शायद यार आप में से बहुत सारे लोग जानते ही ना हो। तो आज यार इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो में आपको पता चलेंगे दुनिया के 12 बड़े ब्रांड्स के लोगो मीनिंग। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अपनी कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न तैयार रखो। तो चलो यार, दोस्तों नंबर 12 पर आता है एप्पल। एप्पल जो कि आज के दिन पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड माना जाता है, और इंडिया में तो बहुत सारे लोग सिर्फ एप्पल के लोगो के लिए ही आईफोन को ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों शायद आप जानते ही ना हो कि इस लोगो को आखिर बनाया कैसे गया, इसका असली सच क्या है। रॉब जैनोफ जिन्होंने एप्पल के लोगो को डिजाइन किया, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने बहुत सारी ड्राइंग की एप्पल की, लेकिन कोई भी डिजाइन उनको कुछ खास पसंद नहीं आया, और इसके बाद उन्होंने बाउल से एप्पल को उठाकर, यानी फ्रूट वाले एप्पल को उठाकर उसकी एक बाइट चखी, और इसके बाद ये कंसेप्ट उन्हें कुछ ज्यादा मजेदार लगने लगा। इसके बाद उन्होंने बाइट किए हुए उसी एप्पल को ड्रॉ किया, और इसके पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा लॉजिक था, क्योंकि खाने वाली बाइट और कंप्यूटर टर्म की बाइट में बहुत ज्यादा सुनने में फर्क नहीं लगता था, और ये पूरी तरह से सेम लगता था। और एप्पल जो कि एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जिसने पूरा इनोवेशन कर दिखाया दुनिया में, उसके प्रोडक्ट के ऊपर बाइट वाले एप्पल की लोगो पूरी तरह से फिट बैठी, और ये बन गया पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड। दोस्तों नंबर 11 पर आता है अमेज़न। इसका लोगो अगर देखे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही नॉर्मल सा लगता है, लेकिन इसके नीचे लगी हुई इस लाइन को देखिए जिसका कहना है कि जो भी इंसान अमेज़न से शॉपिंग करता है वो हमेशा सेटिस्फाइड और हैप्पी रहता है। इसके अलावा ये स्माइल वाली लाइन ए से लेकर जेड तक जाती है, जिसका मतलब है कि कस्टमर्स को अमेज़न वेबसाइट पर ए से लेकर जेड तक हर तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, और हर तरह का प्रोडक्ट कस्टमर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करेगा। दोस्तों नंबर 10 पर आता है बेस्किन रॉबिंस। इस कमाल की आइसक्रीम चेन को तो आप जानते ही होंगे, जो वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अमेरिका का ये एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, और आज के दिन तो दोस्तों सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा कमाल की आइसक्रीम्स के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर आप इसके लोगो को जरा गौर से देखोगे ना तो उसका एक बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग निकलता है। इसके बी और आर ये दोनों लेटर इसके नेम के वैसे तो फर्स्ट लेटर हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ पिंक वाली जगह को देखोगे तो बी का मतलब निकलता है 3, और आर वाले पिंक का मतलब निकलता है 1, यानी 3 1 31 31 नंबर बनता है दोस्तों ये वाला। और मैं आप सभी को बता दूं कि बेस्किन रॉबिंस ये कमाल की कंपनी 31 टाइप्स के ही प्रीमियम फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम बनाती है। दोस्तों नंबर 9 पर आता है ह्यूंडई। कार्स की तो बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी या फिर ह्यूंडई। सभी कार्स ब्रांड के लोगो बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड फेमस और बहुत ही कमाल हैं, और ह्यूंडई का लोगो भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा गजब है। हालांकि पहली बार देखने पर तो लोगों को लगता है कि यार ये बहुत ही सिंपल है, और इसका तो ये मतलब है कि फर्स्ट लेटर है पूरे नाम का, यानी एच लेटर। लेकिन यार थोड़ा गौर से देखो, इसको थोड़ा जूम करके देखो, एच के साथ ही इसको इस तरह से दर्शाया गया है जैसे दो लोग हैंडशेक कर रहे हों। इसके जरिए ह्यूंडई कंपनी ये दर्शाना चाहती है कि कस्टमर और कंपनी के ओनर का रिश्ता कितना ज्यादा बेस्ट है, और हम हर समय कार बेचने के बाद भी अपने कस्टमर का साथ देते हैं। दोस्तों नंबर 8 पर आता है पेप्सी। पेप्सी जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, लेकिन शायद दोस्तों आपको विश्वास ना हो
कि पेप्सी ने अपने इस लोगो पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा किया, यानी पेप्सी कंपनी ने करोड़ों रुपए इस लोगो पर ही खर्च कर दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेप्सी के इस लोगो में एक बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पेप्सी के इस लोगो का डिजाइन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जैसा है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इसका डिजाइन जियोडायनेमिक जैसा है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें रेड, व्हाइट और ब्लू कलर को दर्शाया गया है, जो कि अमेरिका के फ्लैग को पूरी तरह से रिस्पेक्ट के साथ दर्शाता है, और इस लोगो को डिजाइन करने का यही बस एक लॉजिक था। नंबर 7 पर आता है वेंडीज। फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी के इस लोगो को तो दोस्तों आप पहचान ही चुके होंगे। ये स्माइल करती हुई बड़ी ही क्यूट सी लड़की, इसको तो यार आपने बहुत बार, न जाने कितनी बार देख ही लिया होगा। असल में ये अमेरिकन इंटरनेशनल फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है। लेकिन दोस्तों इस लोगो में एक बहुत ही डीप मीनिंग छिपा हुआ है। अगर आप इस लड़की के कॉलर को जरा गौर से देखोगे, तब आपको वो मैसेज, वो सीक्रेट मैसेज पूरी तरह से दिख जाएगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों असल में मॉम, यानी MOM। इसके साथ कंपनी ये बताना चाहती है कि यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट में आपकी मॉम के हाथों जैसा ही खाना मिलेगा, बिल्कुल स्वादिष्ट और पूरी तरह से हेल्दी, जिसके चलते आप पूरी तरह से खुश हो जाओगे। नंबर 6 पर आता है निंटेंडो गेम क्यूब। इसका डिजाइन वैसे तो बड़ा कमाल है, लेकिन ये लोगो देखने को आपको बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही कूल सा लगता होगा, लेकिन शायद आप सोच भी नहीं सकते कि इस लोगो को कितना ज्यादा दिमाग लगाकर बनाया गया है। दोस्तों आप सपना इस लोगो को जरा गौर से देखो, तब आपको पता चलेगा कि क्यूब के अंदर, इस लोगो के क्यूब के अंदर एक और क्यूब मौजूद है, जो कि छोटा वाला क्यूब है। और अगर हम इस साइड से देखें तो यहाँ पर एक जी लेटर भी बनता है, और आउटर फिगर से बनता है सी, यानी दो कमाल के क्यूब को डिजाइन किया गया है। एक का बनता है जी और दूसरे का सी। जी का मतलब गेम और सी का मतलब क्यूब। तो बड़े ही लॉजिक के साथ कमाल तरीके से इस लोगो को तैयार किया गया है। दोस्तों नंबर 5 पर आता है पिकासा। ये तो गूगल ने ही लॉन्च किया था। अब आप तो जानते हैं कि गूगल कुछ लॉन्च करेगा तो उसका लोगो तो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल का ही होने वाला है। देखने को इसका लोगो थोड़ा सा कैमरा शटर के जैसा लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा और गौर से यार देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो व्हाइट वाली जगह है ना, ये एकदम हाउस की तरह बनी हुई है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर आप अपनी पिक्स को बड़े ही आराम से रख सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, और इसे आप अपने हाउस की तरह समझते हुए कोई भी चीज शेयर भी कर सकते हो, कोई भी फोटो। तो क्या कमाल का लॉजिक लगाया यार गूगल ने। दोस्तों नंबर 4 पर आता है कैरीफोर। असल में ये फ्रांस की एक बहुत ही फेमस हाइपरमार्केट चेन है। जैसे कि आप देख पा ही रहे होंगे कि इसमें रेड और ब्लू कलर का यूज किया गया है, और इनकी डायरेक्शंस पूरी तरह से ऑपोजिट दिख रही हैं, लेकिन इसे बहुत ही तरीके से डिजाइन किया गया है कुछ लॉजिक के चलते। और अगर आप इसे थोड़े स्मार्ट तरीके से देखो, स्मार्ट वे से देखो, तो ये बनती है सी। सी लेटर बनता है दोस्तों इसका, जो कैरीफोर का पहला लेटर है। तो क्या कमाल लॉजिक लगाया यार इस कंपनी ने। दोस्तों नंबर 3 पर आता है NBC। जैसे कि आपने NBC की लोगो में देखा होगा कि इसकी ऊपर की स्ट्रिप्स में 6 अलग अलग टाइप्स के कलर होते हैं। असल में इसे बहुत ही तरीके से 1956 में डिजाइन किया गया था, और उस समय अभी कलर टीवी का दौर शुरू ही होना था, और उसी को देखते हुए इसे डिजाइन किया गया। पहले तो कंपनी ने सोचा कि कलर टीवी नहीं होते तो सिर्फ एक ही स्ट्रिप रखेंगे, लेकिन इसके बाद कंपनी ने सोचा कि अब कलर टीवी आने वाले हैं, तो क्यों ना 6 टाइप्स के कलर को फिल करने की जगह रखी जाए, और इन 6 के 6 कलर्स का एक बहुत ही गहरा मतलब है। दोस्तों इनका मतलब न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट स्टेशंस, नेटवर्क्स और प्रोडक्शन है। नंबर 2 पर आता है हर्षी किसेस। हर्षी केसेस जो कि एक चॉकलेट का ब्रांड है, लेकिन इसने बिना दोस्तों अपनी लोगो बड़े ही तरीके से बनाई। शुरू के दिनों में तो इसकी चॉकलेट्स को हैंड से ही पैक किया जाता था, लेकिन 1921 के बाद इसे मशीन से पैक किया जाने लगा, और इसकी ब्रांडिंग भी मशीन से ही होने लगी। लेकिन अगर अभी आप स्क्रीन पर इसके लोगो को देख रहे हो ना, तो यार जरा गौर से देखो। अगर आप इसके 2 लेटर K और I को गौर से देखोगे, तो जरा गौर से ध्यान देना यार इनमें आपको किस देखने को मिलेगी। और यही लॉजिक था इस कंपनी का इस तरह का कमाल का लोगो बनाने का। दोस्तों नंबर 1 पर आता है डोमिनोज।
दोस्तों डोमिनोज पिज्जा आज के दिन तो यूएसए की दूसरी सबसे बड़ी पिज्जा चेन मानी जाती है और ये पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। इसकी शुरुआत 1960 के साल में मिशिगन में हुई थी। शुरू में तो इसके लोगो में डॉट्स लगाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जब इसका पहला रेस्टोरेंट खोला गया तब इसके लोगो में एक डॉट भी ऐड किया गया। इसके बाद प्लान ये था कि जितने ज्यादा रेस्टोरेंट खोले जाएंगे उतने ही ज्यादा डॉट्स बढ़ा दिए जाएंगे इसकी लोगो पर। इसके बाद अगले एक साल में ही दूसरा और तीसरा रेस्टोरेंट भी खोला गया, जिसके बाद इसकी लोगो पर भी दो और डॉट सेट हुए और कुल मिलाकर 3 डॉट सेट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो बस देखते ही देखते 100 और फिर 1000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स खुल चुके थे और इतने ज्यादा डॉट्स को इसकी लोगो पर ऐड करना तो नामुमकिन वाला काम था। हालांकि 2012 में इसकी लोगो में थोड़ा चेंज किया गया और डोमिनोज पिज्जा को हटाकर सिर्फ डोमिनोज ही रहने दिया गया। तो दोस्तों आपको इनमें से सबसे ज्यादा कमाल की लोगो कौन सी लगी और किसका लॉजिक जानकर आपको सबसे ज्यादा मजा आया, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।